तो दोस्तों नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों के आशीर्वाद से हम भी मस्त हैं। तो दोस्तों आज हम कुछ खास दिखाने वाले हैं आपको। बोलो तुम क्या खाना चाहोगी? दोस्तों यूट्यूब चैनल में आप सबका मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहें, आज हम आप लोगों को कुछ खास दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तभी पूरा प्रोसेस देख पाएंगे आप लोग। सबसे बड़ी बात, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आप लोगों को हम क्या चीज दिखाने वाले हैं आज अपने मैंने घर पे, क्या चीज कोल्ड? दोस्तों हम लोग अपने ही घर पे आलू प्याज सालों साल चलाते हैं और घर पे देसी कोल्ड स्टोर कैसे बनाए हैं, कैसे अपने प्याज और आलू लहसुन को हम सुरक्षित रखते हैं, ये प्रोसेस आपको बताएंगे। जिससे आप लोग भी अपने मतलब हमारी ऐसा चीज है खाने वाला जो सालों साल इसको हमेशा प्रतिदिन का खर्चा है और लोगों को जरूरत पड़ती है रोज, इसीलिए आप लोग मान लीजिए हमारे प्रोसेस को देख कर आप लोग भी कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अपने घर पे कोल्ड स्टोर कैसे बनाए हैं, कैसे अपने साग सब्जी को बचा के रखते हैं सालों साल, वीडियो में लास्ट तक बने रहे हम आपको। तो दोस्तों देखिए, हम लोग इसी तरह से मतलब ये कि हर साल जो है कि हम लोग चलाते रहते हैं। और दोस्तों हम लोग जैसे कि ये कोल्ड मतलब ये कोल्ड स्टोर जो बनाए हुए हैं अपने घर पे, और जो है कि इसको मतलब बराबर ऐसे जैसे कि पलटते रहते हैं उस चीज़ का काम जारी रहता है। तो दोस्तों जो जब समय मिलता है उसको हम लोग प्रोसेस चेंज करते रहते हैं, उससे सालों साल अपना चलता है। और सालों साल मतलब दोस्तों लोग प्याज को मतलब और प्याज हुआ आलू हुआ लहसुन हुआ मतलब जर्मिनेशन भी नहीं होता है, हम लोग ऐसे ही बचा करके हम हमेशा रख देते हैं, मतलब सालों साल भर भी रख देते हैं दोस्तों, मतलब वो खराब नहीं होता है। इसीलिए जो है हम आपको यह चीज जो है कि दिखाने वाले हैं। और गर्मी भी हो रही है दोस्तों, दोस्तों पैन लगा है उसमें जो जिसमें हम लोग रखे हैं और उस प्याज को, तो हम फाइन रखे हैं लगाए हैं अभी, अब ले करके चलने वाले हैं उसी में, तो हम ले करके चल रहे हैं उसी में दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहे हैं, हम अभी आपको ले करके चल रहे हैं दिखाने वाले हैं उस कोल्ड स्टोर में जहां हम लोग रखे हुए हैं। और इनका कोल्ड स्टोर बनाया हुआ है, यही कोल्ड स्टोर बनाई है चूँकि वास्तविक में चलता रहता है, तो हम आपको लेकर के चल रहे हैं अपने कोल्ड स्टोर में। दोस्तों आ गए हैं हम इस रूम में, देखिए दोस्तों ये फैन लगा हुआ है और रोशनदान भी है, दो इसमें रोशनदान है और एक उधर दिखाए हैं एक इधर दिखाए हैं। और दोस्तों इधर जंगला देखिए, दोस्तों इधर जंगला भी है और एकदम इधर भी जंगला है। इसलिए दोस्तों जो है कि हमारा कोल्ड स्टोर के जैसा ही काम करता है, हमारा प्याज नहीं सड़ता है, लहसुन नहीं सड़ता है, आलू नहीं सड़ता है, मतलब हम ये एकदम बिल्कुल जो है दोस्तों इसी तरह से हम जो है कि रखे रहते हैं और फैन मतलब चलाते रहते हैं, बराबर रुक रुक करके चलाते हैं, एकदम से बराबर नहीं चलाते हैं, मतलब रुक रुक के चलाते रहते हैं। और भी हम कुछ और आगे भी दिखाना चाहते हैं, दिखाएंगे भी और जो है वीडियो में बने रहें दोस्तों। देखिए इधर इसमें बोर्ड भी है और फैन भी हाई है और लहसुन भी देखिए दोस्तों इसी में लगा रखा हुआ है, मतलब है। और इसमें दोस्तों हम देखिए प्याज ही है, ये प्याज देखिए दोस्तों गिर रही है इस तरह से, मतलब हफ्ते में तो नहीं लेकिन ये कि महीने दिन पर हम लोग बीतते हैं, महीने दिन तो बीत ही जाता है तभी हम लोग इसको फिर पलटते रहते हैं, महीना दिन डेढ़ महीना हो जाता है पलटते रहते हैं इसको। अभी देखिए एक डेढ़ महीने के बाद मतलब इसको पलट रहे हैं, प्याज जब से मतलब हाँ जब से मतलब प्याज खन करके रखे हैं तभी से जो है कि हम एक भी बार पलटे नहीं है और प्याज सड़ा भी नहीं है। और आज जो है कि देखिए दोस्तों इसमें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एकदम बिल्कुल प्याज सड़ा नहीं है,
और एकदम फ्रेश भी है। केवल हम लोग इसलिए कर रहे हैं इसको क्योंकि यह मतलब छिलका जैसे जो सूख जाता है ना उसको छोड़ा रहे हैं, क्योंकि वह छोड़ा देंगे तो प्याज और फ्रेश बरकरार रहेगा। और देखिए बिन भी रही है, अब हम भी चल रहे हैं बिनने के लिए इसको। हाय दोस्तों, देखिए इसी तरह इसका छिलका उतार देते हैं, उतार करके इस तरह फैलाते हैं। प्याज दोस्तों देखिए सड़ा नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं सड़ा है, यही हमारा मार्च के लास्ट में हम लोग इसको फनाई करके रखते हैं। और इसी तरह इसका छिलका छुड़ा देते हैं, ये पहली बार बिनाई आज कर रहे हैं जब फन के रखते हैं। और दोस्तों हम ये भी बताएंगे कि ये कौन सा कंपनी का प्याज है। क्योंकि इसको छोड़ाना जरूरी होता है दोस्तों। किसी तरह देखिए इसका छिलका छुड़ा देते हैं, ऊपर का ऊपरी जो लेयर है और फैला देंगे। अब फिर एक डेढ़ महीने के बाद जब समय मिलेगा तो फिर इसको बदल बदल कर देंगे, फैला देंगे। तो दोस्तों देखिए हमारा प्याज गिरा गया है, अभी इतना गिरा प्याज और रह गया है बिनने के लिए, और खराब प्याज नहीं निकला, केवल ये भूसी भर निकला इसका छिलका। मार्च में लास्ट में खाने हैं, पूरा अप्रैल मई जून और जुलाई चार महीना बीत गया और प्याज आज पहली बार गिन रहा है। चार महीने में आज जो है कि पहली बार बिनाई हो रहा है इसका। अभी और दोस्तों छोटा वाला बिनना बाकी है, आप चल रहे हैं हम लोग उसको भी फैला देंगे। दोस्तों कई दिन से सफराई हो रहा था बिनने के लिए, बड़ा वाला है, अभी छोटा वाला भी है। पूरा प्याज दिखाओ बाबू।